नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चुरहट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया हैं। राहुल भैया, आप बिंद क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, क्या है इस बार माहौल? 2018 के तुलना में बहुत अच्छा है। 3 दिन बचे हैं और भगवान चाहेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस बार वचन पत्र के अलावा क्या स्थानीय मुद्दे होंगे जो आप लोग चुनाव अगर सरकार बनती है तो पूरा करेंगे? देखिए, स्थानीय मुद्दे हर विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने अलग होते हैं, लेकिन विंध्य प्रदेश जो पुराना है, शहडोल और रीवा संभाग, उसको जो नज़रअंदाज करती थी भारतीय जनता पार्टी, जिसके वजह से उनको नुकसान हो रहा है, हम लोग विशेष ध्यान देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी विंध्य क्षेत्र को लगातार टारगेट कर रही है, कहीं प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, आज देवतलाव में अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या आज अमित शाह भी आ रहे हैं आज देवतलाव? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण समझ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है उनकी पार्टी के नेताओं से, और इसीलिए इस ताबड़तोड़ कभी प्रधानमंत्री, कभी अमित शाह, कभी मुख्यमंत्री यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। लेकिन जब जनता का रुख बन जाता है, विचार बन जाते हैं, तो कोई भी आए फिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस बार वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि जो विंध्य क्षेत्र, खासतौर से सीधी और सिंगरौली और ये सब इलाका जो उपेक्षित है, उसके दो नेता जिम्मेदार है कांग्रेस की। 20 साल से उनकी सरकार है। यदि हम लोग, हमारे पूर्वज कोई जिम्मेदार थे तो 20 साल में इन्होंने क्या किया? शिवराज सिंह जी ने 2006 में सिंगरौली ज़िले के गोद लिया, सीधी से बांट कर। आज 18 साल उनके मुख्यमंत्री काल के बाद भी सीधी से सिंगरौली आदमी जा नहीं सकता है मेन रोड से, तो उसके लिए भी हमारे पूर्वज जिम्मेदार होंगे शायद। तो इस बार क्या होगा विंध्य में, कितनी सीट आ रही है? आपने कहा था कि आखिरी दौर में मैं बताऊंगा कि क्या माहौल रहेगा। 20 से ऊपर आएंगे। ये थे कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भैया, जो कह रहे हैं कि इस बार विंध्य में 20 सीट से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी। देखना होगा कि परिणाम क्या होता है। एमपी तक के लिए सीधी से हरिओम सिंह।